हाँ सुनिए, आज का हमारा टॉपिक है सौर परिवार का सामान्य परिचय, ठीक है ना। तो सौर परिवार के बारे में पूरा विस्तार से अपने को समझना है और सौर परिवार के बारे में हमें एक वैज्ञानिक सोच भी उत्पन्न करना है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है उसके बारे में भी हमको पर्याप्त जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं, सौर परिवार का सामान्य परिचय। देखिए, सूर्य सौर मंडल का प्रधान ग्रह होता है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान ग्रह होता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं और आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं, ठीक है ना। एक बार पुनः सुनिए कि सूर्य सौर मंडल का प्रधान ग्रह होता है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका सौर मंडल हो गया या सौर परिवार हो गया। इस सौर परिवार में सारे प्लैनेट्स भी हो गए, धूमकेतु हो गए, अन्य आकाशीय छोटे बड़े सभी तरह के पिंड हो गए, ठीक है ना। अब इस सौर मंडल का प्रधान ग्रह हमारा सूर्य होता है ना। सौर मंडल का प्रधान ग्रह सूर्य होता है। तो सूर्य के बारे में अपने को पर्याप्त जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो सूर्य के बारे में हम जानकारी देते हैं, सुनिए, है ना। देखो, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है जो स्वयं प्रकाशित है ना, और पूरे ब्रह्मांड के लिए, या यूं कहें अपन सौर मंडल सौर परिवार की बात कर रहे हैं, तो सौर परिवार के लिए प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारी पृथ्वी के लिए भी प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। सूर्य एक तारा है ना। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है और सूर्य की पृथ्वी से दूरी, सूर्य की पृथ्वी से दूरी 1470 करोड़ किलोमीटर है ना। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 1470 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य का डायमीटर है ना, सूर्य का डायमीटर या व्यास 1392,000 किलोमीटर है। सूर्य का डायमीटर 1392,000 किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट और 16 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट और 16 सेकंड में हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य के प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3×10^8 मीटर पर सेकंड, है ना। 3×10^8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब क्या होता है, देखिए कि सूर्य का जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, केमिकल कॉम्बिनेशन जो है सूर्य का, तो सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन है ना। सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है, ठीक है ना, और अन्य 2.5% में अन्य गैसेस हैं, ठीक है। सूर्य सौर मंडल का या जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके केंद्र में है, या सूर्य को हम नाभिक कह सकते हैं, ठीक है ना, उनके केंद्र में है सूर्य। अब सूर्य के बारे में देखिए, सूर्य ऊर्जा का पुंज, सूर्य क्या है? ऊर्जा का पुंज है और समस्त सौर परिवार को प्रकाशित कर रहा है। हमारी पृथ्वी पर भी जीवन सूर्य की वजह से ही है, ठीक है ना। जब सूर्य उदय होता है तो हम जागते हैं और अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। रात्रि काल में जब सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है, तो हम उस समय रात्रि काल में क्या होते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा की कुछ कमी पाई जाती है और हम रात्रि काल में विश्राम किया करते हैं, ठीक है ना। तो सूर्य क्या है? प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है ना। सूर्य की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना। कि पेड़ों की पत्तियां या पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन निर्माण करती है, ठीक है ना। अब सूर्य के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, इतनी लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन के अंदर, ठीक है ना, जिससे सारा सौर परिवार प्रकाशित है। हमारे पृथ्वी पर गर्मी की ऋतु में देखिए आप, कुछ समय सूर्य के प्रकाश में खड़ा रहना भी मुश्किल होता है ना,
कितना तेज प्रकाश होता है सूर्य का, या कितनी तीव्रता इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होती है सूर्य के प्रकाश में, ठीक है ना। तो अब ये जो ऊर्जा है या प्रकाश है ना, ये प्रकाश ऊर्जा के रूप में है, या उसको हम प्रकाश ऊर्जा कह सकते हैं, है ना। क्या कह सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा, ठीक है ना। ये सूर्य के अंदर कौन सी क्रिया से उत्पन्न होती है यह भी जानना आवश्यक है, ठीक है ना, कि इतनी लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी अगर सन के अंदर जनरेट होती है तो वो कौन सी प्रोसीजर है, कौन सा प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस होता है थर्मोन्यूक्लियर फिजन। क्या होता है? थर्मोन्यूक्लियर फिजन, ताप नाभिकीय अभिक्रिया, या इसको नाभिकीय संलयन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं, देखिए कि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है ना, और 8 मिनट में हमारी पृथ्वी पर पहुंच जाता है। उसका वेग भी हमने ज्ञात किया है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश की क्या प्रकृति है, सूर्य के प्रकाश की प्रकृति को जानना और समझना आवश्यक है ना। सूर्य के प्रकाश की क्या प्रवृत्ति है? तो देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में, हालांकि विज्ञान में इस आधार पर सिद्धांत दिया गया है, द ड्यूलिटी नेचर ऑफ लाइट, ड्यूलिटी नेचर ऑफ लाइट, है ना। तो प्रकाश को तरंग भी माना गया है और प्रकाश को कण भी माना गया है, ठीक है ना। इस संदर्भ में एक साइंटिस्ट का कथन है कि एनर्जी वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल, वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग मटेरियल पार्टिकल। हर गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबद्ध होता है, हर गतिशील द्रव्य कण के साथ एक तरंग संबद्ध होता है, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जब पहुंचता है तो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम इसको एक तरंग प्रकृति मानते हैं, तो तरंग के रूप में पहुंचता है, ठीक है ना, तरंग के रूप में या रेडिएशंस के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है ना। अब इस तरंग की प्रकृति क्या है, ये तरंग किस नेचर का होता है, है ना, यह भी जानना आवश्यक है कि इस तरंग की प्रकृति क्या है, यह तरंग किस नेचर की होती है। तो देखिए, इस तरंग को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। इस तरंग को, सूर्य के प्रकाश वाली तरंग को संचरण के लिए या प्रोपोगेशन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह बिना माध्यम में भी संचरित हो सकती है। आप देखिए, सूर्य का प्रकाश निर्वात में भी गति करेगा, निर्वात में, है ना, जहां पर वायु भी न हो, सूर्य का प्रकाश निर्वात में भी गति करता है, ठीक है। अब इस नेचर की प्रकृति कैसी है, इस तरंग की प्रकृति कैसी है, तो इस तरंग की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है ना। सूर्य के प्रकाश वाली तरंग की प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय है ना। तो इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का सम्मिश्रण होता है ना। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, संयोजन होता है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी कण की उपस्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना, और कोई पार्टी या कोई आवेश की उपस्थिति के कारण जो क्षेत्र होता है वह विद्युत क्षेत्र होता है। और जब आवेश गतिशील होता है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रकाश गतिशील है, इसलिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, इसलिए इसका नाम, इस तरंग का नाम, सूर्य के प्रकाश की तरंग का नाम हमने क्या दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। ये मैक्सवेल का इन्वेंशन है, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंग इसको हम कहते हैं, तो ये किस तरफ से प्रोपोगेट करती है, किस तरफ से संचरण करती है, तो इसके संचरण का तरीका क्या है, इसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। इसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। The vibration of the particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave. ठीक है ना? कि कैसा होता है? तो माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है ना। अब सूर्य का जो प्रकाश है, इस प्रकाश का हमने सूर्य के प्रकाश का हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 कलर होते हैं, ठीक है ना। और वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए अपन एक सिंबल काम में लेते हैं, बेनियाह पिनाला, है ना, बेनियाह पिनाला, या विद्योर भी कहते हैं उसको। तो बैंगनी,
आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है ना। तो फुरी के प्रकाश में सात कलर होते हैं, ठीक है। अब हम अगर ये फुरी के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारे, है ना, या प्रिज्म से पारगमित करें फुरी के प्रकाश को, तो हमें सात कलर दिखेंगे, जिसको हम माइक्रोस्कोप वगैरह की सहायता से देख सकते हैं, और उन सातों कलर की तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात की जा सकती है ना। उन सातों कलर की या रंगों की, उनकी तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होती है ना। तरंग दैर्ध्य के बारे में आप जानते होंगे, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा होगा, आठवीं तक आता है ये, है ना। तरंग दैर्ध्य कहते हैं दो क्रमागत श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी, है ना। तरंग कैसे गति करती है, तो तरंग श्रृंगों और गर्तों के रूप में गति करती है। द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रैक एंड पृष्ठ, है ना। तो इनकी सातों कलर की अलग 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 तरंग दैर्ध्य होती है। अब सूर्य से हमें असीम ऊर्जा मिलती है, सूर्य से हमें असीम ऊर्जा मिलती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है सूर्य, ठीक है ना। तो इस ऊर्जा का बहुत सा अनुपयोग है, कई तरह का अनुपयोग हम कर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य के प्रकाश से जैसे वो फोटो डायोड और फोटो सेल वगैरह का निर्माण हुआ है, उससे बिजली उत्पन्न की जा रही है, ठीक है ना। फोटो डायोड के सोलर डायोड होते हैं, ठीक है। सोलर डायोड के इस्तेमाल से हम आज बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे फार्म हाउस कुओं पर मोटरें चल रही है, घरों में ऊपर सोलर प्लेटें लगा देते हैं, तो उससे घरों की बिजली की पूर्ति पूर्ण हो जाती है ना। सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके हम कई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी यूज करते हैं, जैसे कैलकुलेटर वगैरह, सोलर कैलकुलेटर भी मार्केट में मिलते हैं, है ना। और इससे मोटर बाइक वगैरह, है ना, मोटर गाड़ियां, कारें, बाइक वगैरह भी चल रही है, ठीक है ना। तो इसका बहुत अनुपयोग हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी प्रकृति को समझा है, है ना, कि ये असीम ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य असीम ऊर्जा का स्रोत है। अब इसके बाद देखिए कि सूर्य से हमें इतनी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हमारे प्राचीन काल में ऋषि इस तथ्य को समझते थे, और इसीलिए सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल में देखी गई है, ठीक है ना। कि जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य की ये मतलब मॉर्निंग में, है ना, अर्ली मॉर्निंग में जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो जब सूर्य की किरणें उस जल में से गुजर कर हमारे शरीर के ऊपर गिरती है, तो उससे हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारा ओरा बढ़ता है ना, हमारा तेज बढ़ता है, ये प्राचीन ऋषि मुनियों ने बताया है, और हमारे कई धार्मिक ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। सूर्य नमस्कार की भी हमारी प्राचीन परंपरा रही है, कि फिर प्राचीन काल में सूर्य नमस्कार किया करते थे, आज भी सूर्य नमस्कार की परंपरा है, आज भी करते हैं सूर्य नमस्कार, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे योग शिक्षकों ने भी इस चीज को प्रचारित किया है, कि अगर सुबह जल्दी उठ के अगर प्राणायाम वगैरह किया जाए, तो प्राणायाम भी कई तरीके के होते हैं। तो रेचक, कुंभक रेचक वाला जो प्राणायाम होता है, जिसमें लंबी सांस खींचना होता है और फिर सांस को रोक के और उसके बाद धीरे धीरे उसको रिलीज करना होता है, तो उस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि सूर्य का उस समय उदय काल में, वो मॉर्निंग काल में सूर्य का जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश उसके साथ ऊर्जा सम्मिलित होती है। जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो उसके साथ ऊर्जा भी आती है, क्योंकि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है। तो हम श्वास खींचने के द्वारा अधिक से अधिक ऊर्जा को अपनी फेफड़ों में भर लेते हैं, है ना, और वहां से वो शरीर के सभी अंगों तक संचरित हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ समय श्वास रोकने के बाद फिर श्वास को धीरे धीरे रिलीज कर दिया जाता है। इससे हमारे शरीर अधिक मात्रा में, हमारे शरीर से अधिक मात्रा में ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सूर्य के बारे में देखिए, और जानकारी देता हूं सूर्य के बारे में। देखिए तो देखिए, सूर्य का जो आयु निर्धारित की है, सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष निर्धारित की है, ठीक है ना। सूर्य की आयु कितनी निर्धारित की है, 5 अरब वर्ष, मतलब 5 अरब वर्ष तक सूर्य और रह सकता है ना, सूर्य और रह सकता है, इसकी आयु निर्धारित की है 5 अरब वर्ष, ठीक है। तो अब क्या सूर्य के अंदर इतनी असीम ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा किस तरह से उत्पन्न होती है, इसके अंदर क्या क्रियाएं होती है, इसको भी हमें समझना होगा। देखिए, क्योंकि आपको अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए आपको सामान्य विज्ञान की जानकारी भी होना अत्यंत आवश्यक है,
ठीक है ना, सामान्य विज्ञान की जानकारी होना भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए तारों, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है ना। तो तारों और सूर्य के अंत पटल में निर्मित ऊर्जा का स्रोत, तारों और सूर्य के अंत पटल में अंत पटल से निर्मित ऊर्जा का स्रोत ताप नाभिकीय संलयन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। सूर्य के अंदर का ताप है ना, सूर्य के अंदर का ताप लगभग 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन होता है। सूर्य के अंदर का ताप 1.5 × 10⁷ केल्विन होता है। एक केल्विन के अंदर 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। इतना हाई टेम्परेचर होता है सूर्य की सतह के अंदर, है ना, कहां पे, सूर्य की सतह के अंदर। तो ये ताप नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रियाएं होती है इनके लिए उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है ना। इतना ताप और दाब होना चाहिए जो कि सूर्य या अन्य तारों के अंदर ही पाया जाता है ना। तो ये इसके लिए प्रारंभिक स्थिति है कि टेम्परेचर और प्रेशर की वही कंडीशन होना चाहिए जो सन के अंदर की सतह पर है, ठीक है ना। इतना ही टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। तो अब सूर्य का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो हमने समझा था कि सूर्य का केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बताया था कि 71% हाइड्रोजन एंड 26.5% हीलियम, ठीक है। तो इस हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के ऊपर ताप नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है ना। और इसमें कैसे होती है ये अभिक्रिया, तो ये 4-5 स्टेप में होती है, तो उसको पूरा विस्तार से ना बताकर अपन शॉर्ट में बताएंगे कि 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं, ठीक है ना। और ये एक छोटा सा एक प्राइमरी रिएक्शन बता रहा हूं, 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम एटम बनाएंगे और इस छोटी सी रिएक्शन के अंदर 26.7 MeV एनर्जी रिलीज होती है एक रिएक्शन के अंदर जहां सिर्फ 4 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम एटम बना रहे हैं, 26.7 MeV एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो फन तो सूर्य तो पूरा हाइड्रोजन और हीलियम से ही भरा हुआ है ना, पूरा हाइड्रोजन और हीलियम से ही भरा हुआ है। सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन है। तो ये रिएक्शन या ये अभिक्रिया बहुत लार्ज स्केल पे होती है और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी वहां से रिलीज होती है, ठीक है ना। इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो पूरे फोरमंडल को, पूरे सौर परिवार को प्रकाशित कर रही है ना, सारे सौर परिवार को प्रकाशित कर रही है। तो हाइड्रोजन ईंधन के रूप में काम करता है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन ईंधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। और सूर्य के अंदर 71% हाइड्रोजन है और इतना ईंधन है कि 5 अरब साल तक वो ईंधन जलता रहेगा, है ना। तो उस ईंधन की आधार पर ही सूर्य की आयु का निर्धारण किया गया है कि 5 अरब वर्ष और तक वो ईंधन जलता रहेगा, इतना ईंधन है सूर्य के अंदर। और उसके बाद जब ये ईंधन कम हो जाएगा, हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी, तो क्या होगा, हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाएगी तो वह सूर्य ठंडा पड़ने लगेगा और ठंडा पड़ने के कारण क्या होगा, वो संकुचित होगा, क्या हो जाएगा, कंप्रेशन होगा उसमें, संकुचन होगा, ठीक है ना। और संकुचन होने के फलस्वरूप क्या होगा, टेम्परेचर में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, उसके ताप में अप्रत्याशित वृद्धि होगी और ताप वृद्धि से सूर्य का फैलाव प्रारंभ हो जाएगा, है ना। ताप वृद्धि से सूर्य का फैलाव प्रारंभ हो जाएगा और ये लाल दैत्य के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल लेगा, है ना। ऐसी एक धारणा है ना, अभी 5 अरब वर्ष इसकी आयु निर्धारित की हुई है, ठीक है। तो ये फन के बारे में मैंने बेसिक जानकारी दी है आपको। अब फोर परिवार का, है ना, सौर परिवार के ये तो प्रधान सदस्य हो गया, फोर परिवार का या फोर मंडल का पिता है सूर्य, क्या है, फोर मंडल का पिता है। अब उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए
अन्य ग्रहों के बारे में, है ना, अन्य ग्रहों के बारे में बात करते हैं। तो ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, है ना। ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्ग पर या निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब एक बात समझने की है कि सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन दो ग्रह शुक्र और अरुण, ये इसके विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, है ना। दो ग्रह याद रखिएगा, दो ग्रह शुक्र और अरुण, यह पूर्व से पश्चिम विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। अब सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, जो फोरमंडल का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बोर्ड पे दिखा रखा है, अगर दिख रहा हो तो, है ना, कि देखें क्या होता है कि सूर्य के बाद बुध होता है, बुध के बाद शुक्र होता है, शुक्र के बाद हमारा तीसरा नंबर हमारा पृथ्वी का आता है ना, पृथ्वी के बाद चौथा नंबर मंगल का आता है, चौथा नंबर उसका आता है मंगल का, है ना, पांचवा बृहस्पति का, फिर शनि का, अरुण का और वरुण का, ठीक है। आधुनिक विज्ञान चंद्रमा को ग्रह नहीं मानती है, आधुनिक विज्ञान चंद्रमा को उपग्रह मानती है ना। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, ठीक है। लेकिन ज्योतिष में चंद्रमा को ग्रह का स्थान दिया गया है, लेकिन ज्योतिष में चंद्रमा को ग्रह का स्थान दिया गया है, ठीक है ना। तो हम एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि फोर परिवार के सदस्य है ना ये, इन सभी के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले ये देखिए कि ये जो भी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, तो इनकी परिक्रमा दो तरह की होती है। देखिए इनकी गतियों को हम इस तरह से समझते हैं, इनकी गतियां होती है कक्षी गति और अक्षी गति, है ना। एवरी प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है ना। हर ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अक्ष में या अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है तथा अपनी अक्ष पर भी घूमता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन और एक्सल मोशन, है ना। अपनी एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करता है और रिवॉल्यूशन करता है अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तथा अपनी अक्ष पर भी घूमता है। जैसे हमारा प्लेनेट है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है तथा अपने अक्ष पे भी घूमती है ना, जिसपे दिन रात बनते हैं, ठीक है ना। तो पहले सर्वप्रथम अपन बात करते हैं बुध ग्रह की। तो देखो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है ना, और यह सूर्य के सबसे निकट है, है ना। और ये बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना, बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। और बुध का तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस 560 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो ये बुध के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब उसके बाद दूसरे प्लेनेट की बात करते हैं, तो दूसरा प्लेनेट है विनस या शुक्र, ठीक है। तो शुक्र सौर मंडल का सबसे ज्यादा चमकीला प्लेनेट है ना, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म प्लेनेट है। इसका तापमान लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, इसका तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं, है ना। शुक्र ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा कंप्लीट करने में 225 दिन लगते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है ना, ये परिक्रमा जो करता है ना उल्टी दिशा में करता है अन्य प्लेनेट के सापेक्ष, ठीक है। तो ये कैसे रिवॉल्यूशन करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शुक्र ग्रह पर सूर्यास्त, सूर्य उदय पश्चिम से होगा,
है ना, शुक्र ग्रह पर सूर्य उदय पश्चिम से होता है तथा सूर्य अस्त पूर्व में होगा, है ना, सूर्य अस्त पूर्व में होगा, है ना, सूर्य अस्त पूर्व में होगा। ज्योतिष में जैसे अपन शुक्र ग्रह के रत्न को हीरा इसका रत्न माना जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, केमिकल इसका कॉम्बिनेशन, तो इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है ना, 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और 3.5% नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो अब जो डायमंड होता है वो कार्बन का ही एक फॉर्म है ना, कार्बन का ही एक रूप है, तो इसके एनवायरमेंट में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है ना, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, तो ये आसमान में नजर आता है चमकता हुआ, आप गौर से देखिए तो आसमान में ये चमकता हुआ आपको नजर आएगा, इसलिए इसे फांच का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, इसे फांच का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की, इसके बाद तीसरे नंबर का जो प्लेनेट है वो है हमारा अर्थ, है ना, तीसरे नंबर का प्लेनेट है हमारा अर्थ। तो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन है वह पृथ्वी ही है ना, पृथ्वी के सिवा इस सौर मंडल में कहीं भी जीवन की संभावनाएं नहीं है। पृथ्वी आकार और द्रव्यमान में इस सौर परिवार में पांचवे स्थान पर है, आकार और द्रव्यमान के हिसाब से इस सौर परिवार में पांचवे स्थान पर आती है। पृथ्वी के ऊपर 71% जल है और 29% स्थलीय भाग, पृथ्वी के ऊपर 71% जल है, पानी है, और 29% स्थलीय भाग है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो केमिकल कॉम्बिनेशन या गैसों का जो कॉम्बिनेशन है वो देखिए आप, 21% ऑक्सीजन है ना, 21% पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 1% में क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अन्य गैसें, बहुत सारी गैसें है ना, अन्य गैसें हैं। तो जीवन के लिए आवश्यक प्राण वायु सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल में ही है ना, जीवन वही हो सकता है जहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, और किसी भी प्लेनेट के वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल में ही है, और पृथ्वी का 2/3 पानी से भरा हुआ है ना, 2/3 पानी से भरा हुआ है, इसलिए अंतरिक्ष पे देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा इलिप्टिकल पाथ में है ना, ग्रहों का जो रिवॉल्वेशन का पाथ है ना वो इलिप्टिकल पाथ होता है, ये गोलाकार पाथ में परिक्रमा नहीं करते हैं, इलिप्टिकल पाथ में ही दीर्घवृत्त कहते हैं जिसको, है ना, दीर्घवृत्ताकार पथ में ही सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह जानकारी में होना आवश्यक है आपको, है ना, कि ये दीर्घवृत्तीय पथ में ही परिक्रमा करते हैं सभी प्लेनेट। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से, पृथ्वी की चाल कितनी है परिक्रमा के दौरान, 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है ना। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है ना, नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, और यह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। ये पृथ्वी के बारे में
सामान्य जानकारी हो गई है ना, सामान्य जानकारी पृथ्वी के बारे में हो गई। अब अपन बात करते हैं चंद्रमा की। तो देखो चंद्रमा एक छोटा सा पिंड है ना, इसका आकार पृथ्वी का 1/4 है, इसका आकार पृथ्वी का 1/4 है, ठीक है ना। अब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में कंप्लीट करता है ना। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स में कंप्लीट करता है, ठीक है ना। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार समकोण बनाती है, समकोण राइट एंगल, राइट एंगल्ड, इनकी पोजिशन राइट एंगल्ड होती है ना। महीने में 2 बार समकोण की स्थिति होती है पृथ्वी और चंद्रमा, है ना। अब चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार और भाटा आते हैं, ये भी आपको पता है ना। गुरुत्वाकर्षण का भी आपको बताएंगे, इसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है ना, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है। चंद्र ग्रहण में हम, चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, चंद्र ग्रहण में जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं गिर पाता है, जिससे पूर्णिमा के दिन हमें पूर्ण चंद्रमा दृश्यमान नहीं होता है, ठीक है ना। इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्रमा का जो डायमीटर है, व्यास है, वो 3476 किलोमीटर, चंद्रमा का डायमीटर 3476 किलोमीटर है, ठीक है। ये चंद्रमा के बारे में सामान्य जानकारी। अब इसके बाद चौथा प्लेनेट जो है उसकी बात करते हैं, वो है मंगल, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल का लाल रंग वहां मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, मंगल का लाल रंग वहां मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है ना। देखिए हमारे शरीर में भी रक्त प्रवाह होता है ना, रक्त प्रवाह होता है, और अगर कभी शरीर में रक्त की कमी हो जाती है ना, कभी शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमारे नाखूनों का या हथेलियों का कलर सफेद होने लगता है ना। और अगर रक्त की कमी नहीं है तो नाखूनों का कलर क्या होगा, रेडिश, रेडिश, लगभग रेडिश या पिंक जैसा होगा, है ना, और हथेलियां भी रेडिश होगी। तो क्या होगा अगर खून की कमी हो जाती है, तो आपने सुना होगा खून की कमी होने पर डॉक्टर आयरन, आयरन की दवाएं लिखता है ना, आयरन दिए जाते हैं, फोलिक एसिड, आयरन वगैरह दिए जाते हैं, है ना, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है रक्त के अंदर। तो रक्त के लिए, रक्त के लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है, आयरन, है ना, उसी वही हीमोग्लोबिन का पार्ट है ना। रक्त के लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है, आयरन जिम्मेदार है ना। और मंगल की भी यही स्थिति है कि मंगल हमें लाल दिखाता है, लाल कलर का दिखता है, तो मंगल में क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, मंगल में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, ठीक है ना। और मंगल को रक्त, रक्त का जिम्मेदार माना जाता है। हमारे जब आगे अपन ज्योतिष की कुंडलियों का विश्लेषण आदि अपन चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे कि रक्त का कारक मंगल है, उसमें अपन बताएंगे कि रक्त का कारक मंगल है। अगर रक्त में विकार हो जाता है तो उसका कारण मंगल का दूषित होना होता है, ठीक है ना। तो क्या बताया आपको, इसको लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और यह अपनी अक्ष पर 25 डिग्री झुका होता है, मंगल ग्रह अपनी अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होता है, जिसकी वजह से वहां मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है, मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है, ठीक है ना। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 2-3% नाइट्रोजन और 2% ऑर्गन होते हैं, है ना। इसका केमिकल कॉम्बिनेशन जो है इसके एनवायरमेंट में, तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 2-3% नाइट्रोजन और 2% ऑर्गन है, ठीक है ना। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी मंगल में ही है, जिसका नाम है ओलिपस, जिसका क्या नाम है, ओलिपस।
है ना, कोरमंडल का सबसे बड़ा और त्रिव ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही है। ठीक है, यह मंगल ग्रह की सामान्य जानकारी हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह है, और परिवार में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। बृहस्पति ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है ना। और बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में 11 वर्ष 9 महीने या यूं कहें लगभग 12 वर्ष लगते हैं, है ना। एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, ठीक है ना। अब एक परिक्रमा पूर्ण करेगा 12 वर्ष लगते हैं, ठीक है, तो एक राशि पे लगभग काफी टाइम रहता है, वो अपन आगे विषमती दशा वगैरह में विश्लेषण करेंगे, ठीक है। इस ग्रह के, देखो इस ग्रह के वायुमंडल में जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसको समझिए। तो इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है ना। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है। इसके इस प्लेनेट के या बृहस्पति ग्रह के 16 उपग्रह है, 16 उपग्रह है ना। और यह ग्रह पीले कलर का दिखाई दे, यह ग्रह हमें पीले कलर का दिखाई देता है। ये हो गई बृहस्पति की सामान्य जानकारी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं शनि के बारे में। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है, ठीक है। इसके चारों ओर एक वलय या छल्ला बना हुआ है, एक गैसीय स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये छल्ले और वलय से शनि ग्रह पहचाना जाता है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्षों में कंप्लीट करता है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्षों में पूर्ण करता है, ठीक है ना। एक राशि पे भी लगभग 2.5 साल शनि रहता है। अब शनि के 30 उपग्रह, शनि ग्रह के सैटेलाइट कितने हैं, नेचुरल सैटेलाइट 30 हैं, जिसमें एक उपग्रह के बारे में आजकल काफी शोध वगैरह हो रहे हैं, टाइटन, आपने नाम सुना होगा टाइटन। ये ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल भी है और गुरुत्वाकर्षण बल भी उपस्थित है, जिस पर वायुमंडल भी है और गुरुत्वाकर्षण बल भी उपस्थित है। अब इसके बाद आता है अरुण और वरुण ग्रह के बारे में। तो देखिए अरुण और वरुण ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, सूर्य से बहुत दूर है, ठीक है ना। और इनके परिभ्रमण काल भी देखिए, अरुण का परिभ्रमण काल या परिक्रमण काल 84 वर्ष है अरुण का, और वरुण का 166 वर्ष, 166 166 वर्ष है, ठीक है ना। तो एक तो दूर बहुत है और इनको सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत अधिक समय लगता है, इसलिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इन ग्रहों पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि इनका दूर बहुत है और इनका परिक्रमा में समय भी बहुत लगता है, तो एक राशि पे ये काफी अधिक समय तक रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए ज्योतिष में इनको महत्व नहीं दिया जाता है, इनके विश्लेषण को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, अरुण और वरुण के विश्लेषण को, ठीक है। ठीक है, अब ये टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, इसमें काफी कुछ और भी समझना है, थोड़ी बहुत ये वैज्ञानिक जानकारी भी और देनी है आपको, और इसका एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बताएंगे आपको, तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है ना, इसको कल कंटिन्यू करेंगे अपन।